राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों? ठाकुर जी कृपा सबके ऊपर बनी रहे, बरसती रहे। आप सभी आनंद में रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आइए प्यारे दोस्तों, आज एक बड़ी सुंदर वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। कई बार क्या होता है कि जन्मपत्री में जब ग्रह जो है कुछ गलत भाव से बैठ जाते हैं और व्यक्ति हताश रहता है, परेशान रहता है, जीवन से दुखी हो जाता है, जन्म के ग्रहों को देख करके और अपनी कुंडली को वो कई स्थानों पर कई विद्वानों को दिखाता है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? कोई ऐसा सरल सा उपाय हो, सटीक सा उपाय हो कि जिसको करने से सारे दुखों का निवारण जो है हो सके। प्यारे मित्रों, जब जन्मपत्री में कुंडली में जब मार्केश चलता है तो मार्केश के समय उस व्यक्ति की हालत बड़ी खराब हो जाती है, हर तरफ से उसको नुकसान होना शुरू होता है, शरीर गिरना शुरू हो जाता है। कई उपाय करता है, कई मेडिसिन खाता है, कुछ असर नहीं करती, जीवन से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। फिर वो कई स्थानों पर चक्कर काटता है, कुंडलियां दिखाता है, पूछा करता है, तो किसी की कुंडली में भी यदि मार्केश चल रहा हो तो उस मार्केश से कैसे बचा जाए? शास्त्र में बड़े सरल से उपाय इसके बारे में, हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में बहुत अच्छे अच्छे उपाय जो है बताए गए, और मेरे विद्वान भाईजन जो है, ब्राह्मण जो है, मेरे बंधु जो है, वो उपाय बताया करते हैं। और जिनमें एक विशेष उपाय तो सभी ब्राह्मण बताते हैं कि महामृत्युंजय जी का आप पूजन करें, पाठ करें, रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव के मंत्रों का अनुष्ठान करें, जप करें, है? और आज जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं वो उपाय मार्केश की दशा को टाल सकता है। आसान सा उपाय, बड़ा सरल सा उपाय। उपाय क्या है? जिसकी कुंडली में यदि मार्केश का समय चल रहा हो, कोई ऐसा दोष चल रहा हो, तो वो भाई बंधु, वो बहन हमारी, वो हमारी माता, वो क्या करें? इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि सोमवार के दिन 1.25 पाव दूध लेकर के, ध्यान रखना कि सोमवार के दिन 1.25 पाव दूध लेकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके रात्रि में 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप शिव परिवार को चढ़ाएं। बड़ा सरल उपाय है। सोमवार के दिन रात्रि के समय 9 बजे से 11 बजे के बीच में 1.25 पाव दूध लेकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जप करते हुए आप वो दूध जो है शिव परिवार पर चढ़ाएं, तो धीरे धीरे यदि आप ये नियम बनाएंगे हर सोमवार को, तो प्यारे भक्तों धीरे धीरे आपका मार्केश खत्म हो जाएगा, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी और जीवन से हताश हैं, निराश हैं, कोई ना कोई रोग तंग कर रहा है, शरीर गिर रहा है, कोई भी ऐसा दोष हो, कोई भी ऐसा कारण हो, यदि आप ये करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बड़े अच्छे, आपको सुकून की प्राप्ति हो, शांति मिलेगी, सबसे बड़ी शांति है इस जीवन में। जिसके पास शांति है और इस जीवन में जिसके पास संतोष है, उसका जीवन सबसे ज्यादा सुंदर है और सुखी है। प्यारे भक्तों, बड़ा सरल उपाय मैंने आपको बताया, आप करें और आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। कई हफ्ते लगातार करें, ऐसा नहीं कि एक दो हफ्ते करने के बाद आप मेरे को मैसेज करना शुरू कर दें, अक्सर ऐसा मेरे साथ हो रहा है आजकल। संतान से संबंधित मैंने वीडियो डाली है, तो एक बार उपाय करने से
अगर नहीं हो पाती तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। देखिए, एक चक्र होता है, मासिक चक्र होता है। उस चक्र के हिसाब से जब सही वक्त आता है और उस सही वक्त में यदि वो उपाय मेरे द्वारा जो बताया जाता है वो उपाय किया जाता है तो अवश्य संतान हो जाती है। थोड़ा धैर्य का ध्यान रखें और अवश्य फल की प्राप्ति हो। बहुत से कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि जिनको मेरे उपाय करने से बड़े अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले हैं। मैं ऐसी माताओं बहनों को बधाई भी देता हूँ कि जो मुझको व्हाट्सएप पे पर्सनल व्हाट्सएप भी करते हैं, मेरे को फ़ोन भी करते हैं कि महाराज जी आपके द्वारा हमने ये उपाय 3 महीने पहले किया, 2 महीने पहले किया, 6 महीने पहले किए, आपके उपाय हमने किए तो हमको आज हम प्रेग्नेंट हैं, प्रभु की कृपा ऐसी बरसी हम पर उपाय करने से। प्यारे मित्रों, उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन थोड़ा धैर्य को धारण करते हुए आप उपाय करें और मेरे इस उपाय को भी करें तो आपको अवश्य फल की प्राप्ति होगी। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों को, बंधुओं को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, ताकि जो अपनी बीमारी से दुखी हैं वो यदि मेरा उपाय करें तो उनको भी सुकून की और शांति की प्राप्ति हो। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा बताई गई अच्छी अच्छी उपाय, अच्छे अच्छे वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, विवरण पूरा जो है मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप पर ही उसकी फलित जो है व्हाट्सअप पर ही मैं आपको बता दूंगा। जीवन में कोई समस्या हो तो उसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ज्योतिष से और आध्यात्मिक विद्या के द्वारा आपकी उस उपाय आपको उस उपाय के द्वारा सुकून और शांति की प्राप्ति करा सकते हैं। कुंडली बनवाना चाहते हैं, शुद्ध कुंडली, सटीक कुंडली बिल्कुल, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कुंडली बना करके आप तक भेज भी सकता हूँ और कुछ पूछना चाहे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सका।